देखो गाइस, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपकी बैटरी बैकअप जो कि 4 दिन चलेगी 5 दिन चलेगी, नहीं। हाँ, इसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलने वाली, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बस, आपको सबसे पहले अपने फोन के डायलर पैड को ओपन करना है। डायलर पैड को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको ये कोड को टाइप करना है। जैसे आप इस कोड को टाइप कर लेते हैं, टाइप करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कोड को आप देख लीजिए एंड लास्ट में हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर देना और डायरेक्टली आपका कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर आपकी मोबाइल की बैटरी एकदम से रिसेट हो जाएगी। ये करने से आपकी जो बैटरी है थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसे कि 70% है तो हो सकती है 60% या 65% हो जाए। तो ये देख के आप डरना नहीं, क्योंकि गाइस आपकी फोन की बैटरी जो कि रिसेट हुई है। गाइस, अगर हमारा फोन काफी ज्यादा जो कि हैंग करता है, काफी ज्यादा स्लो होने लगता है, तो हम अपने फोन को क्या करते हैं, रिसेट करते हैं। रिसेट करने के बाद क्या होता है कि हमारा फोन एकदम से न्यू तरीके से चलने लगता है। जिस तरह हमने मोबाइल को नया परचेज किया था वैसे जो कि फीचर्स हमारे फोन पे वापस आ जाते हैं रिसेट करने से। तो ये ऑप्शन है बैटरी रिसेट करने का। अगर आप ऐसा करते हैं, रिसेट करते हैं अपनी बैटरी को, तो आपकी बैटरी जो कि पहले की तरह जो कि चलने लगेगी। जो हमारी दूसरी टिप्स है वो ये है कि आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद वहां से आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करना। उसमें क्लिक करने के बाद वहां से नीचे आपको बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे इनेबल कर देना। अब देखो बस, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो बैटरी है ना वो बहुत ज्यादा खर्च होती है। क्यों खर्च होती है कि हमारे फोन पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं और वो एप्लीकेशन हमारे फोन पे रन करते हैं, और इस कारण से हमारी बैटरी कहीं हद तक जो कि उस ऑप्शन की वजह से, इन प्रॉब्लम की वजह से भी जो कि कम होती रहती है और बैटरी बैकअप काफी हद तक घट जाती है। तो आपको बैटरी सेविंग मोड को इनेबल कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि जो आपके फोन पे एप्लीकेशन रन करने वाली है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक, ये तो रन करेंगी, लेकिन और भी जो फालतू की एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है वो नहीं करेंगी। तो इस ऑप्शन को इनेबल आपको इसलिए करना है। अब जो हमारी तीसरी टिप से ये भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। करना क्या है, आपके फोन पे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अब देखो, आपको सेटिंग को अपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अपने फोन को सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको ऐप नोटिफिकेशन, ऐप मैनेजर या ऐप का कोई भी ऑप्शन मिले सेटिंग पे, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको वहाँ पे ऑल एप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर लेना। उसमें क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। अब शो होने के बाद क्या करना है, आपको उसमें क्लिक करके डायरेक्टली आपको फर्स्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, आपको सभी एप्लीकेशन को फर्स्ट स्टॉप करना है। और साथ में आपको वहाँ पे एक बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन मिलता है, तो आपको उसे जो कि इनेबल कर देना है। इससे ये होगा कि आपके फोन पे जो एप्लीकेशन है, फालतू की एप्लीकेशन है, वो बैकग्राउंड में आपके रन नहीं करेंगी। और इस ऑप्शन को अगर आप कर लेते हैं आपकी मोबाइल की बैटरी बैकअप काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये गाइस, मैंने आपको तीन टिप्स ऐसे बताए हैं जिसे करने से आपकी मोबाइल की बैटरी कहीं हद तक जो कि बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आपका फोन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे चलता है, तो इस ऑप्शन को करने से आपका फोन जो कि 1 से 2 घंटे तक जो कि बैकअप बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।